शनिवार के बाद सोमवार को भी सीएमओ कार्यालय के सामने सीएचओ कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें, एएमएस पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज न करने और पीबीआई में पेमेंट न मिलने के चलते सीएचओ कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल शनिवार के बाद सोमवार को भी अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय के सामने बैठे सीएचओ कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। सीएचओ कर्मचारियों का आरोप है कि एएमएस पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज न करने पर पीवीआई की पेमेंट न मिलने के चलते वह प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्त सीएचओ का आरोप है कि पीवीआई माह अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 लंबित पेमेंट को लेकर दर्जनों बार चक्कर काट चुके हैं, बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। कई तरह की मांगों पर अड़े सीएचओ कर्मचारियों ने सीधे तौर पर विभाग को अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमने पहले शनिवार को किया है आंदोलन, यहाँ पे हमने धरना दिया है, आज फिर आए क्योंकि हमारी जो शनिवार को जो मांगी थी वो उसके कोई भी अधिकारी ने वापस हमसे कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। और उन्होंने हमें मीडिया कर्मियों के आपके माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से उनको अवगत करा दिया था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी मेन मांगे पहली हमारी ये है कि हमारे ऊपर एक एएमएस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो सौंपा जा रहा है कि आप एएमएस के थ्रू अपनी अटेंडेंस वहाँ पे एसडब्ल्यूसी पे लगाएंगे। चलो, हम लगाने के लिए तैयार है तो ना तो वहाँ पे भवन का निर्माण हुआ है, ना पे हमको पर्याप्त सोर्स दिए गए हैं और हमारा वहाँ पे टाइमिंग 8 घंटे के लिए बताया गया है, जबकि एनएचएम के अनुसार, नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार जो टाइमिंग है वो सिर्फ 6 घंटे का है। चलो, हम इसका स्वागत करते हैं। यदि ये एएमएस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपका इतना ही अच्छा है तो क्यों ना इसको सभी कर्मचारियों अधिकारी पे लागू कीजिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा कम है तो पहले इसकी शुरुआत क्यों ना शहरी क्षेत्रों से जाके कीजिए और उसके बाद में जिससे हम हमारा काम कर सके। हमारा जो पीपीआई भुगतान है वो पिछले 6 महीने से लंबित है और हमारे कुछ जो फंड है वो पिछले 2 साल से लंबित है, तो इसके ना हम जिस फंड से हम काम कर रहे हैं वो हमारे को फंड ही नहीं मिल पा रहा है, ना कोई पर्याप्त सोर्स बन पा रहे हैं। और मेन मुद्दा ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा जो टाइमिंग यदि 5:30 का सर्दियों के अंदर दे दिया गया है तो माता बहनों के लिए परिवहन की कोई सुविधा नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनको सेफ्टी फील नहीं होती है। तो मेन मांग, हम एएमएस के ऊपर अटेंडेंस नहीं लगाएंगे और लगवानी है तो हमको पहले पर्याप्त जो हमारी 7 मांगे हैं उनको पूरा कीजिए, फिर हम आपकी 8वीं जो मांग है उसको स्वीकार करने के ऊपर विचार करेंगे। जो यूपी सरकार की तरफ से हमारा ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया है, इसमें जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि 9:30 से 5:30 कार्य का समय है, तो 5:30 इस टाइम में बहुत लेट हो जाता है और हमारी जो महिला कार्यकर हैं उनमें ये परेशानी आती है कि वहाँ पे इतने संसाधन भी नहीं है हमारे पास, ना ही हमारी पूरी बिल्डिंग तैयार है। जो यूपी सरकार की तरफ से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाए गए हैं उनमें ना ही बिल्डिंग तैयार है, ना ही वहाँ पर वॉशरूम वगैरह की स्थिति सही है और उसके अलावा लाइट और वाटर सप्लाई का भी कोई भी अभी तक नहीं कार्य हुआ है। उस कंडीशन में यहाँ पर से महिलाओं का वहाँ पर 9:30 से 5:30 रहना पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में भी अभी एक रेप केस हुआ था हमारे सीएचओ साथी के साथ ही, उस तरह से हमारा सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये चीज़ सही नहीं है, इसके लिए एक बार विचार करना चाहिए यूपी सरकार से। इसको लेकर आपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की हो? हाँ जी, हम लोग इस चीज़ के लिए एक बार अपने MOICs को भी ज्ञापन दे चुके हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों ने CDO साहब को भी अवगत कराया इस से और CMO सर से भी हम इसके लिए बात कर चुके हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट।